नमस्कार, ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद समीर उपाध्याय। समीर उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज समीर जी से हम जानेंगे देश की बात, झारखंड की बात। ये जो राजनीति चल रहा है अभी, जो जिस राजनीति में तमाम देश समाहित हो गया है, वो राजनीति कितने दूर जाने के बाद खत्म हो जाएगा, उस राजनीति का भविष्य क्या है, तरह तरह की बातें होंगी। तो समीर जी, अभी NRC CA को लेकर के देश पूरी तरह से त्रस्त है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या इनकी इसकी उम्र क्या है, इस NRC की उम्र क्या है, या इस राजनीति की उम्र क्या है? ठीक बात है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपने देश की कुंडली देखनी पड़ती है कि क्योंकि भारत जो स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हुआ तो उस वक्त की जो ग्रहों की स्थिति होती है वही हमें क्लू देता है ज्योतिष शास्त्र में। तो भारत की जो कुंडली बनी है वो वृषभ लग्न की है, पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि की। आज की तारीख में देश की कुंडली में चंद्रमा की महादशा के अंदर में शनि की अंतरदशा लगी है और ये एग्जैक्टली 5 दिसंबर 2019 से लगी है और ये रहने वाली है 5 जुलाई 2021 तक इसे रहना है। तो एक दौर जब चंद्रमा और शनि की दशा अंतरदशा चलेगी और चंद्रमा इस कुंडली में शनि के साथ होने से ग्रहण योग में शामिल है, तो एक ऐसी स्थिति जिसे हम लोग कहते हैं ग्रहण की स्थिति, जहाँ पे एक शांत वातावरण जो देश का था, जो सौहार्द जो हम लोग कहते थे, सर्वधर्म सद्भाव की बात करते थे, वो एकदम से जैसे बिगड़ सा गया ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये अब मान के चलिए कि ये राजनीति तो अब लगातार चलती ही रहेगी, ये थमने वाली नहीं है। ये कह सकते हैं कि इसका प्रभाव बोल करके बोलें, इसका प्रकोप बोल करके बोलें, तो आने वाले दिनों में जो अभी बढ़े चढ़े अंदाज में, देखिए कुछ ना कुछ समस्याएं देश के अंदर, तो मान के चले कि जुलाई 2021 तक का जो समय जब तक शनि की अंतरदशा लगी हुई चंद्रमा में शनि, कुछ ना कुछ ज्वलंत मुद्दे उठते रहेंगे ऐसा आप बोल सकते हैं। आप इसको इस सेंस में लीजिए, एक ऐसा दौर जहाँ पे देश की कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही है जो गज केसरी योग में भी शामिल है। एक तरफ देश की दुनिया में बाहर में जो हमारी साख कभी बहुत अच्छी नज़र आएगी, बढ़ता नज़र आएगा, हमारे देश के जो बौद्धिक पक्ष है, जो युवा है बाहर, बहुत अच्छा करते नज़र आएंगे, कभी मान सम्मान गिरता भी नज़र आए क्योंकि चंद्रमा की ग्रहण योग में शामिल हुई है। तो एक तरफ सम्मान और एक तरफ थोड़े थोड़े अंतराल पे अपमानजनक स्थिति, दोनों देश को देखना, देशवासियों को देखना ऐसा बोलेंगे। और जो ऑफकोर्स जो रूल कर रहे हैं, जो सत्ता है, सत्ताधारी दल है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो अभी जो दौर चल रहा है, इमीडिएट अगर हम लोग देखें तो फरवरी तक का समय सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा है। फरवरी के बाद से थोड़ी स्थिति बेहतर होगी, आप कह सकते हैं थोड़े नियंत्रित होगी। मान के चले कि ये मामला कोर्ट के आदेश आने के बाद ही थोड़ा शांति होगा ऐसा लगता है। नहीं, पहले भी आपने कहा था कि 2022 तक मोदी जी जब ज्वाइन करेंगे पद को, तो 2022 तक ये देश की कुंडली या देश अस्थिर जैसा रहेगा। तो कि महंगाई उसी तरह से चरम छू रही है, अगर रोजगार की बात करें तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, अगर अस्थायित्व की बात करें तो कहीं कुछ अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है, रियल एस्टेट की बात करें तो वो भी गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ये ज्योतिषीय अंकगणित जो आप लोगों की बता रही है, तो ये विकास की बात सिर्फ मोदी जी कहते हैं तो जमीन पर उतर पाएगा क्या? देखिए, आने वाले दिनों में एक सबसे बड़ी बात की जो महंगाई कहें, रोजगार कहें, कोई भी सेक्टर जिसमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात है, अभियंत्रिकी की बात है, उसको शनि रिप्रेजेंट करता है। एक अच्छी खबर यह है कि शनि 24 जनवरी 2020 को अपनी राशि मकर में जाने वाला है। तो यहाँ से जो राशि परिवर्तन होगा, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए बोलें, पूरी दुनिया में एक तरह से मंदी का दौर चल रहा है, तो थोड़ा सुधार की गुंजाइश तो डेफिनेटली होगी धीरे धीरे, शनय शनय आप कह सकते हैं, क्योंकि शनि को हम लोग धीरे धीरे चलने वाला ग्रह कहते हैं, ये फास्ट चेंजेस नहीं देता है। तो शनि अब लगातार दो राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में अपने घर में होंगे। तो ये स्थिति 24 जनवरी 2020 से 17 जनवरी 23 तक रहेगी मकर राशि में शनि की, और उसके बाद वो कुंभ राशि में जाएंगे 17 जनवरी 23 को, जो रहेंगे 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो जनवरी 20 से 25 के मार्च तक का जो दौर हुआ, ये दौर धीरे 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 पूरी दुनिया में जो आर्थिक मंदी का दौर है, स्टेप बाय स्टेप वो आप कह सकते हैं उसमें सुधार होगा, लेकिन क्योंकि समस्याएं इतनी विकराल है, समस्याएं इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सभी जगह पे
सत्ताधारी दलों को देश ही नहीं पूरी दुनिया में विरोध का, बेरोजगारी का और महंगाई का सामना करना पड़ेगा ऐसा लगता है। समीर जी, ऐसा है कि अब झारखंड में सरकार बन गई है। 2:18 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पदभार ग्रहण किया है, क्या दिखाई दे रहा है? ठीक बात है। देखिए, जो ओथ कुंडली है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, जो दौर है ये वृषभ लग्न और श्रवण नक्षत्र के चतुर्थ चरण में लिया गया, इसका मतलब मकर राशि हुई। चूँकि ये जो कुंडली बनती है स्थिर लग्न कहेंगे और राशि चर है तो चर राशि कहेंगे, और नवांश भी मकर है होने से चर नवांश हुआ। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो ये झारखंड के वासियों के लिए एक ऐसा संयोग जिसे हम लोग मानेंगे कि पहले के मुकाबले थोड़ा बेहतर बोल सकते हैं हम लोग कंपेरेटिवली। लेकिन चूंकि तिथि का जो चयन किया गया ना मोटे तौर पे, वो चतुर्थी तिथि थी, तो चतुर्थी तिथि होने की वजह से एक समस्या क्या होती है, और गठबंधन की सरकार है तो बार बार जो एक समस्या आएगी कि जो घटक दल हैं उनको साथ ले चलने में थोड़ी समस्याएं आती है। तो वैसे सूबे का विकास होता नजर आ रहा है स्थिर लग्न होने की वजह से, मकर राशि होने की वजह से। तो एक ऐसा संयोग जहाँ पे अपने आप में जो सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है, जो हम समझते हैं नए सरकार के लिए, घटक दलों को साथ लेकर के चलने की होगी। क्योंकि इस दौरान जो ओथ कुंडली, उसमें तीन ऐसे समय आएंगे जहाँ पे थोड़ा विरोधाभास ज़्यादा बढ़े। एक तो अभी हम लोग मार्च तक का जो समय शुरुआत का ही दौर है, थोड़ा सा उठापटक के बीच से निकलेगा। दूसरा दौर रिक्त तिथि में, जब भी आप कोई काम करते हैं तो जो आपकी पूरी अवधि होती है, जैसे 5 साल की अवधि किसी भी सरकार की, चुनी सरकार की होती है, तो उसमें लगभग जब आप आधी उम्र के आसपास होते हैं, मतलब 2.5 साल के आसपास का समय होता है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो खास करके तीसरा वर्ष जो होगा सरकार का 2 साल के बाद, तो नवंबर 2021 के बाद से और दिसंबर 2022 का दौर होगा, उसमें दो छोटे छोटे अवधि होंगे जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सतर्कता की बात होगी। हालांकि जो हेमंत जी की अपनी कुंडली बनती है वो सिंह लग्न के हैं, सिंह राशि के हैं, और उनके पास सरकार चलाने का पुराना अनुभव भी है, तो मुझे लगता है कि जो उठापटक हो जाए, लेकिन इनकी स्थिति बहुत मजबूत है, हेमंत की अपनी स्थिति, हेमंत जी की मजबूत स्थिति है, इसलिए यह समस्याओं से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते। तो वो दो समय है जिसकी चर्चा अगर हम कर दें तो बेहतर होगा, जहाँ सतर्कता के बाद नवंबर 2021 से लेके मई 2022, और एक दूसरा टाइम है जो अक्टूबर 2022 से लेके जनवरी 2023 तक का दौर है, वो थोड़ा समस्याओं का रहे। तो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ बने रहिए, फिर हम जानेंगे इस कार्यकाल में हेमंत झारखंड को क्या क्या दे पाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम समीर जी से जानेंगे कि इस कार्यकाल में हेमंत का क्या डेवलपमेंट रहेगा, क्या विकास की रेखा खींच पाएंगे, या फिर अब तक जो झारखंड में चलते आया बस वही होगा। देखिए, जो कुंडली बनती है, ओथ कुंडली बोले, हेमंत जी की अपनी कुंडली बोले, तो ये जो दौर है, एक बात तो तय है कि जो उनकी पत्री में एक योग है जिसे हम लोग गजकेसरी योग कहते हैं, ये जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है ना, हम लोग मानते हैं बहुत अच्छा इसे माना जाता है, और वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपनी पहचान बनाने में कामयाब होता है, जैसा कि हम लोग पास्ट में देखते रहे हैं। सीबो सुरेन जी के सुपुत्र हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इतनी कम उम्र में जो उपलब्धि पाई है वो उस गजकेसरी योग का उसमें बड़ा योगदान, ऐसा बोलेंगे। आज की तारीख में उनकी कुंडली में शुक्र की महादशा में शुक्र के अंतरदशा चली, और शुक्र उनकी कुंडली में मालव्य योग में, इसको एक तरह से राजयोग की श्रेणी में हम लोग मानते हैं, महापुरुष योग की श्रेणी मानते हैं, वो दशा उनकी चल रही है, तो उन्होंने अगेंस्ट ऑल आउट परफॉर्म किया। तो ये मान के चले हम लोग, और जो ओथ कुंडली है वृषभ लग्न मकर राशि की, उन दोनों को कंपेरेटिवली अगर हम लोग देखें, कंपेयर करके, तो एक बात तो स्पष्ट है कि इस वाले टेन्योर में हेमंत कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेंगे जो कई सालों तक झारखंड वासियों को ध्यान में रहेगा, उनके हितों के लिए, मतलब उनके फेवर में कुछ ऐसे काम ये कर जाएंगे जो इनको अब आगे के लिए, आगे की राजनीति में, या कहें इस झारखंड में योगदान के रूप में बड़े रूप में देखा जाएगा, ऐसा मानेंगे। तो आने वाला जो समय है जो दिखाता है उनकी कुंडली में, वो अभी अपना जो पूरा का पूरा कमिटमेंट है, जो अब तक का उनके पास अनुभव है, लगता है कि उसका पूरा का पूरा जो भी अपना काम करेंगे वो झारखंड के हित के लिए करेंगे,
झारखंड के भविष्य के लिए करेंगे ऐसा दिखाई देता है। यहाँ समस्या जो आएगी, सबसे बड़ी समस्या मैं जो बार बार कह रहा हूँ, वहाँ जो घटक दल है उनकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं और इनके जो अपने काम करने का जो तरीका, उसमें बार बार थोड़ा टकराव। तो ये क्या घटक दल मतलब इनको डुबोने का काम नहीं करेगा? जैसे कि अभी ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो समस्याएं चल रही हैं, जो झमेला उत्पन्न हो गया है, तो क्या इसका भी निपटारा कर करके आगे जा पाएंगे? देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो कुल मिला करके एक ऐसा संयोग मान सकते हैं, क्योंकि अब उनकी कुंडली में जो ग्रह दशा चल रही है तो अपर हैंड तो सदैव इन्हीं का रहेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ घटक दलों में परिवर्तन आ सकता है, जो हमारे साथ देने वाले पार्टी थे उसकी जगह दूसरे लोग शामिल हो जाएं, अलग बात है, पर बात तो इन्हीं की रहेगी। तो सबके बावजूद एक होता है स्मूथ सेलिंग, आप आराम से एक तरफा निर्णय ले रहे हैं और समाज के काम कर रहे हैं, सोसाइटी के फेवर के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के हित के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ थोड़े बहुत अवरोध के साथ काम करना पड़ेगा। एक है शांतिपूर्ण तरक्की और एक है थोड़ा उलझनों के बीच से निकल के जाना है, ऐसा मानेंगे। नहीं, लेकिन झारखंड की एक सबसे बड़ी समस्या है सरकार का गिरना, और अब तक महागठबंधन की कोई भी सरकार सफल नहीं हो पाई है। देखिए, जो संयोग बना है वो एक्चुअली झारखंड की जो अपनी कुंडली बनती है ना, उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको याद होगा सबसे शुरुआत में जब झारखंड बिहार नहीं, वो तो आपने कहा था कि बिरसा जयंती के जो मैंने 12 बजे रात का है वो मारक है। हाँ, और सबसे पहले पद पर पदभार ग्रहण किए थे यहाँ के राज्यपाल प्रभात कुमार, जी, वो अल्प समय में ही चले गए, बाबूलाल मरांडी चले गए, जो जिस सीक्वेंस में ओथ लिया था धीरे धीरे उनकी हत्या होती गई, उनके पद की हत्या होती गई, वो नहीं रह पाए। आपने ये भी कहा था कि 2013 तक ये सरकार अस्थिर रहेगी, उसके बाद की सरकार आएगी तो स्थिर रही, तो जो 13 के बाद सरकार आई वो तो स्थिर दिखाई दी। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन इनकी कुंडली क्या कह रही है? क्या ये 5 साल सरकार चला पाएंगे? क्योंकि अभी आपने ये कहा कि हो सकता है कोई नया घटक दल साथ ही जुड़ जाए, तो क्या बिहार की दशा होगी? देखिए, जो संयोग बनता है उसके हिसाब से ये आने वाले दिनों में तय कि 5 साल तो ये पूरा करेंगे ही करेंगे। अब वो साथ में जुड़ी हुई जो पार्टियां वो भले बदल जाए, लेकिन इनका अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, क्योंकि जो झारखंड की अपनी कुंडली बनती है उसके हिसाब से जो दौर, मैंने शुरुआत में जब झारखंड डिवाइड हो रहा था आपको ध्यान में होगा, उस वक्त प्रभारी हुआ करते थे सरयू राय जी, तो उनसे भी हमने बात करी थी, और मरांडी जी उस वक्त मुख्यमंत्री बनने वाले थे झारखंड के, उनसे बात हुई थी, लेकिन संयोग बस वो डेट बदल नहीं पाता। मैंने तो वकालत की थी कि 14/15 नवंबर का जो हम लोग डेट ले रहे हैं उसको ही परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि इसी मुहूर्त में पाकिस्तान ने आज़ादी ली थी तो उसको आर्द्रा नक्षत्र के साथ दिया था, तो हमने, लेकिन वो संयोग बस बात नहीं बन पाई थी। तो उसके बाद से जो अभी जो कंडीशंस दिखाई दे आने वाला, क्योंकि वो लगभग 14 साल तक का संयोग था कि जहाँ पे कोई भी सरकार अस्थिरता के साथ ही आएगी, कोई भी सरकार पूरी नहीं कर पाई अपनी उम्र। अब परिस्थितियाँ बदली, झारखंड की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसा कि बताए झारखंड की मिथुन राशि होने से शनि की अड़ैया लगने वाली है, जो कि जनवरी 2020 से और जनवरी 2023 तक रहने वाली है। आप गौर करेंगे, इसी में मैंने कहा कि नवंबर 2021 से लेकर के और जनवरी 2000 मैंने कहा कि 23 तक का समय, इस बीच में 2-3 समय ऐसे आएंगे जहां पे परेशानियों का दौर हो सकता है। तो इसलिए संयोग जो भी हो, पार्टियां बदल सकती है, लेकिन सरकार में तो ये रहेंगे, हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये तय। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हमारे घटक दल बदल सकते हैं। तो आपके हिसाब से हेमंत सोरेन का नेतृत्व झारखंड के विकास में सार्थक होगा? बिल्कुल। सुख समृद्धि और शांति वापस आएगी? देखिए, शांति शब्द, अब एक बात आप मान के चलिए, जो ग्रहों की स्थिति बन रखी है झारखंड की कुंडली में, उनके शपथ ग्रहण की कुंडली में, आप कह सकते हैं हेमंत जी की अपनी कुंडली में, सुकून शब्द मैंने नहीं कहा, सुकून थोड़ा संघर्षपूर्ण प्रगति की मैंने बात की। हाँ, डेवलपमेंट होगा, हर चीज़ बढ़ेगा, समाज का जो गरीब तबका है उसके लिए ढेर सारे काम किए जाएंगे ऐसा लगता है, जिस मकसद से इस राज्य का गठन किया गया था, तो जो आदिवासी वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनके लिए बहुत काम होगा, श्रमिक वर्गों के लिए काम होगा, यह अलग बात है। कि फिर भी इन सब के बावजूद एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि
झारखंड की कुंडली में शनि की अढ़ैया जब आएगी तो क्या होता है कि आप कुछ भी काम करते हैं जनता के लिए, समाज के लिए, वो नाकाफ़ी गुजरता है। उस हिसाब से जैसे आप कह सकते हैं जितनी मांग है, जितनी अपेक्षाएं हैं, उस हिसाब से सारे काम करने में घटक दलों की वजह से थोड़ी समस्या आएंगी, इसलिए मानेंगे कि संघर्षपूर्ण प्रगति तरक्की करेगा झारखंड, ये तय है। लेते हैं फिर एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं और बात करते हैं झारखंड भाजपा की, झारखंड भाजपा की क्या स्थिति होगी ज्योतिषीय नजरों से। आप मेरे साथ बने रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम समीर जी से जानेंगे कि झारखंड भाजपा की क्या स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 65 पार, स्थितियां क्या हुई आप सबने देखा है, तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कैसे पहुंच गई? समीर जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जो ग्रहों की स्थिति एक्चुअली होता क्या है, किसी भी राज्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए क्या उनका जो एक तरह से कहा जाए तो जो जनता के लिए जो अप्रोच होता है, आप जो काम करेंगे, एक पुरानी कहावत है, आप जो रोपेंगे वही काटेंगे। सही बात है। तो पीछे जो समय इतना अच्छा अवसर मिला था मोदी जी की वजह से, आप कह सकते हैं कि मोदी के लहर पे सवार होकर भाजपा ने बहुमत प्राप्त किया था और उसके बाद उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। समस्या कहाँ हुई, जो यहाँ पे नीति निर्धारक लोग थे, तो आप नीति निर्धारकों में सबसे पहले नंबर पर मुखिया को लाएंगे, रघुवर दास को, तो उनकी जो कुंडली बनती है, रघुवर दास की कुंडली जो बनी है उसके हिसाब से वो मेष लग्न के हैं और उनकी राशि कन्या है। जो दशा वो गुजार रहे हैं वो शनि की महादशा में गुजार रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति मेष लग्न का होगा, शनि की दशा आएगी, हालांकि उनकी भी कुंडली में एक खास बात है कि वो गजकेसरी योग में है। गजकेसरी योग की खासियत होती है कि अलग पहचान, उनको भी अलग पहचान मिली, लेकिन उस योग के साथ और एक खासियत है कि आप अगर विनम्र बने रहते हैं, आप अगर दूसरों के लिए सेवारत रहते हैं तो वो आपको दुगना देता है। जैसे आप नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, पिछले चुनाव में जब से वो गद्दी पे बैठे हैं तब से अभी तक लगातार वो सफलता, उसको अखंड साम्राज्य योग भी कहते हैं। ये अखंड साम्राज्य योग इनकी कुंडली में नहीं था, रघुवर दास की कुंडली में। दूसरा, ये जो दशा अभी गुजार रहे हैं, चंद्रमा की महादशा में शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और शनि की अढ़िया लग रही थी। एक बड़ी गलती हुई कि चुनावों में आपने अपना गठबंधन जारी नहीं रखा, प्लस आपने 5 सालों में जिस तरीके से सरकार को आप चलाए उसमें एक बड़ी बात निकल के आई कि आप अनसुना हर बातों को करते रहे, दूसरों का नहीं सुनते रहे, पार्टी का नहीं सुनते रहे। तो ऐसे स्थिति में स्वाभाविक है, और जो ग्रहण योग है दूसरा कि जो भरोसा, एक सबसे बड़ा भरोसा नरेंद्र मोदी जी का, जहाँ जहाँ भाजपा शासित देश है, कि नरेंद्र मोदी ही कुछ चमत्कार करेंगे। उनकी खुद की कुंडली में अगर मोदी जी की बात करें तो उनकी खुद की कुंडली में भी चंद्रमा में ये जो दौर पीछे निकल के जा रहा है, केतु की अंतरदशा लगी और शनि के 7.5 में वो चल रहा है। तो जो चमत्कार कहते हैं या ग्रहों का जिसे बदलना कहते हैं, दशा बदलना कहते हैं, वो सारी कुंडली में, इवन यहाँ तक कि जो बीजेपी की अपनी जो कुंडली बनती है, भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है, उसमें भी जो ग्रहों की स्थिति है, चंद्रमा की महादशा में गजकेसरी योग उनकी भी कुंडली में और राहु का अंतरदशा लेकिन लगा, ये ग्रहण योग होता है। तो एक ऐसा दौर जहाँ पर लगातार चारों तरफ से अब घिर गए, उससे में एक सबसे बड़ी बात क्या हो गई, एक बड़ी समस्या जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बोल सकते हैं कि जो पार्टी के बड़े नेता जिसे कहते हैं, बुजुर्ग नेता, वरिष्ठ नेता कहते हैं, क्योंकि मुझे तो याद है इस बात का कि मैं जब झारखंड आया था पहली बार, जब मैं बताने आया था कि सही समय पे वोट नहीं हो रहा है, ये झारखंड जो सेपरेट स्टेट बन रहा है, स्वतंत्र राज्य बन रहा है, उस वक्त प्रभारी हुआ करते थे सरयू राय जी, इसका मतलब तो वरिष्ठतम नेताओं में से थे, उनको पार्टी से किनारा कर दिया जाना कि पार्टी के लिए बड़ा आघात, क्योंकि उनकी जो कुंडली बनती है वो मिथुन लग्न के हैं और उनकी राशि मकर है, उनकी भी कुंडली में गजकेसरी योग है, तो वो विनम्र बने रहे लगातार और आप विनम्र नहीं रहे, आपके ऊपर एक तगमा लग गया रघुवर दास जी के ऊपर कि आप सुनते नहीं किसी का, अपनी मर्जी चलाते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर हो गया, गठबंधन से बाहर निकल जाना, अकेले चुनाव लड़ना, उसमें से वरिष्ठ लोगों को भी किनारा कर देना, तब जबकि वो एक समय थिंक टैंक हुआ करते थे भाजपा के लिए झारखंड में, तो ये समझ में आता है कि सबसे बड़ी हार का कारण। और मुझे तो एक जो आशंका दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में, क्योंकि सरयू राय जी की जो कुंडली 8वें घर में गजकेसरी उनका बनता है मिथुन लग्न होने की वजह से, तो वो मान के चले कि उसको एक दूसरे सेंस में कहते हैं विपरीत राजयोग और शत्रु हंता योग उनके कुंडली, मंगल उनके 12वें घर में 6ठे घर को देखता है,
तो जिनसे भी उनकी आप देखेंगे पास्ट इतिहास उठा के देखेंगे, जिनसे भी उनका मतभेद हुआ है, जिनसे भी विवाद हुआ है, उसको वो अपने पराकाष्ठा पे ले जाते हैं और एक तरह से उसे मुकाम तक पहुंचाना, मतलब विरोधी को एकदम से परास्त करके मानते हैं। चुनावों में भी यही हुआ और मुझे आशंका है कि आने वाले दिनों में वो रघुवर दास को कानूनी विवाद में भी घसीटते नजर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में भविष्य क्या नज़र आ रहा है? 5 साल तो ये अब सत्ता से दूर ही रहेंगे, अभी हलचल हो रहा है कि बाबूलाल मरांडी भी आ रहे हैं, तो क्या भाजपा की नैया खेने के लिए ये सफिशियंट है? देखिए, आने वाले दिनों में जो ग्रहों की स्थिति बनती है, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो राजनीतिक एक ऐसा जगह हो गया है, कायदे से आप बोल सकते हैं राजनीति का क्षेत्र, जिसमें वो सब लोग लगभग सब लोग प्रवेश करना चाहते हैं, चाहे सीनियर स्टार हो, पत्रकार हो, समाज सेवी हो, घर में खाना बनाने वाली महिला हो या फिर बाहर जाने वाले लोग, सब लोग चाह रहे हैं कि इनके प्रकरण हम विधायक बने, पार्षद बने, नेता बने, कुछ न कुछ बने। ये उनकी ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ना हर व्यक्ति को मौका मिलता है। जब दो पार्टी की सरकार, मतलब कहते हैं पार्टी, जब दो सदस्य हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के 1980 में, वो जब पूरी मेजोरिटी में आ सकते, इसका मतलब भारतीय लोकतंत्र के खूबे के हर को मौका मिलता है, इसलिए सब लोग इसमें आना चाहते हैं। बाबूलाल की कुंडली को अगर हम लोग जोड़ करके देखें, मरांडी जी की कुंडली को देखें, मिथुन लग्न के और वो कन्या राशि के हैं, तो उनके हिसाब से आने वाले दिनों में स्वाभाविक आने से थोड़ा तो प्रभाव बढ़ेगा बीजेपी का। और राजनीति में देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, तो आने वाले दिनों में भी जो कंडीशंस बनेगा, फिलहाल जहां हम लोग चल रहे हैं, जो उनके ग्रहों की स्थिति दिखती है, बीजेपी की कुंडली बोलें, ये झारखंड की कुंडली बोलें, सभी दलों की कुंडली देखें, तो आने वाले दिनों में भाजपा के लिए, मान के चलिए अभी आने वाला 1 से 1.5 साल का समय संघर्षपूर्ण है, हर जगह पर, देश के सभी जगह मान सकते हैं, वहाँ के बाद स्थितियाँ बदलती नजर आ रही है। तो आने वाले समय में आप कह सकते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, ग्रह भी बदलते हैं, दशाएं बदलती हैं, उनकी भी दशा बदलेगी। और आने वाले दिनों में फिलहाल झारखंड में देखें तो एक मजबूत प्रतिपक्ष विपक्ष के रूप में काम करते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में जो उम्मीद है हर दल के चाहने वाले लोगों की, आगे बदलाव नजर आएगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक ही कहा समीर उपाध्याय जी ने कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, रघुवर दास की का अहंकार हारा है। और रघुवर दास ने जो नेतृत्व को बताया, उस नेतृत्व वही काम किया जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से बेदखल होना पड़ा है। अब देखना यह है कि बाबूलाल मरांडी अगर आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कौन सा राह दे पाते हैं, कितना बड़ा वट वृक्ष फैला सकते हैं, अब हम उसका इंतजार करेंगे। समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखते रहिए ओंकार आवामी, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।